बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं पकाऊंगी चिकन दम बिरयानी। इसके लिए 3 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 कप कुकिंग ऑयल, 1/2 को लाइट गोल्डन फ्राई कर दूंगी। प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 केजी चिकन डाल दूंगी। अब चिकन को भी लाइट गोल्डन फ्राई कर दूंगी। चिकन को इतना ही लाइट गोल्डन जो है वो फ्राई करना था। अब फ्लेम मैं इसकी ऑफ कर दूंगी और चिकन को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मसाला बनाने के लिए 1/2 केजी टमाटर, 9 अदद लाल मिर्च, 9 अदद सब्ज मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून लहसुन, 200 ग्राम इसमें दही डालूंगी और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी। चिकन हमारा जो है वो ठंडा हो गया है। अब इसमें जो मैंने मिक्सचर ग्राइंड किया था वो ऐड कर दूंगी। तीन अदद नींबू का रस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून नमक और 6 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला की जो वीडियो है वो आपको मेरे पेज पे अपलोड की हुई मिल जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे तकरीबन 1 घंटा मैं कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करूंगी अब इसमें। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे पका लूंगी। मसाला हमारा तैयार है। अब फ्लेम में इसकी ऑफ कर दूंगी। चावल को बॉईल करने के लिए पानी डाल दिया है। इसमें 3 अदद लौंग, 2 सब्ज इलायची, 2 बे लीव्स, 1 टेबलस्पून नमक। वन टेबलस्पून सिरका। अब इसमें 1 उबाल ले आऊंगी। पानी में उबाल आ गया है। चावल डाल दूंगी। और इसे 2 कलनी तक बॉईल कर लूंगी। चावल बॉईल हो गए हैं 2 कलनी के जितना। अब मैं इन्हें छान लूंगी। अब इसमें से 1/2 सालन जो है वो मैं निकाल लूंगी। अब इसमें चावल डालूंगी।
मसाला, धनिया, पुदीने के पत्ते, टमाटर के स्लाइसेस, नींबू के स्लाइसेस, सब्ज मिर्च, इन्हें मैंने इस तरह से कट लगा दिया था। दो चुटकी फूड कलर, गीला होना करके तो हम इसे दम दे देंगे। दम देने के लिए मैंने जो तवा है इसे हाई फ्लेम पे फुल गर्म कर लिया था। अब इसे लो फ्लेम पे मैं तकरीबन 20 मिनट दम दे दूंगी। अब इसका दम खोलूंगी। दम बिरयानी रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।